वरीय अधिवक्ता बेनी माधव के निधन पर बुधवार को गिरिडीह बार काउंसिल ने वकालत खाना में शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें बारी बारी से सभी अधिवक्ताओं ने उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके कार्य का सराहना किया। बताया गया कि बेनी माधव इनकम टैक्स के एक नामवर अधिवक्ता थे। गिरिडीह बार काउंसिल उनके निधन को एक बड़ी क्षति मानती है। शोक सभा में गिरिडीह बार काउंसिल अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नूकांत, अजय सिंह मंचू, दुर्गा पांडे समेत कई अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बताया गया कि वे 1975 से गिरिडीह कोच में प्रैक्टिस कर रहे थे। आज हमारे बहुत ही बड़े अधिवक्ता बेनी माधव जी के निधन पर यहाँ हम लोगों ने शोक सभा की। बेनी माधव जी 1975 से जिला अधिवक्ता संघ दिल्ली से जुड़े हुए थे और इनकम टैक्स के बड़े जानकार अधिवक्ता थे। उनके निधन से इस बार को इस जिले के डॉक्यूमेंट्स विशेष करके आयकर और बिक्री करके जो लोग से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों को एक बड़ा गैप का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बेनी माधव जी उसके बड़े ही जानकार बड़े ही सीनियर अधिवक्ता थे। हम आपके चैनल के माध्यम से उस पर सभी प्रार्थना करें कि हम को शांति दें और परिवार आया है। ओम शांति। सेंट्रल फार्मा यानी दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है। यहां प्रत्येक बुधवार 1 से 3 बजे तक मस्तिष्क रीढ़ नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वैभव कुमार प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे रविवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक चर्म बाल नाखून एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार एवं प्रत्येक माह के दूसरे एवं चौथे रविवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज कुमार अपनी सेवा प्रदान करते हैं। इसके अलावा अन्य रोगों के लिए और भी अनुभवी डॉक्टरों की सुविधा उपलब्ध। इसके साथ साथ सेंट्रल फार्मा में सभी प्रकार के दवाइयों पर 12% तक फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। वहीं बाहर से दवा मंगवाने के साथ साथ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। तो स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु आज ही संपर्क करें सेंट्रल फार्मा, सेंट्रल टावर, पचम्बा रोड, बोड़ो, गिरिडीह।